दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और आपका फ़ोन, ये जो मैंने यहां पे आप सिंबल देख सकते हैं, अगर ये आपका ऑटो स्टार्ट नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट का जो फ़ोन लिंक है, तो आप इसको कैसे ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप बिहेवियर का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें हैं, यहाँ पर स्टार्ट फोन लिंक व्हेन आई साइन इन टू विंडोज, ये दोनों को आपको टिक कर देना है। तो आपका क्या होगा कि जब कंप्यूटर आप साइनअप करेंगे तो अपने आप ये फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा और आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका फ़ोन ये ओपन होगा, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें कनेक्ट होने की सबसे अच्छी बात है, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में हेडफोन लगा हुआ है तो आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर में ही रिसीव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं ज़्यादातर काम करता रहता हूँ तो हेडफोन से ही बात कर लेता हूँ इस सुविधा के माध्यम से। लेकिन आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपका ये के अडाप्टर होना ज़रूरी है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में ब्लूटूथ और वाईफाई होना ज़रूरी है, तभी वो आपका जो है काम करेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट नहीं है या फिर आप पीसी चलाते हैं तो 400-500 के आते हैं, आप ब्लूटूथ प्लस वाईफाई दोनों का एक अडाप्टर कोई ले लीजिएगा, जिससे आपका काम हो जाएगा। इसे मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और दूसरी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर सिस्टम नया कुछ ख़रीद रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या ले रहा हूँ, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो बहुत लोग पूछते हैं या इंजीनियर लेके जाते हैं कुछ चेक करने के लिए, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल विंडो प्लस आर करना है, विंडो आर दबाएंगे तो रन वाला स्टार्टअप ओपन ओपन हो जाएगा। आपको लिखना है MS Info 32। आप जैसे ही लिख के एंटर करेंगे आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके कंप्यूटर के यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं अभी मेरे कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या लगा हुआ है, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सारी चीज़ सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट का भी आप देख सकते हैं, सिस्टम ड्राइवर वगैरह देख सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल देख सकते हैं, जितने यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर वगैरह सारा के ड्राइवर कितने डले हैं, क्या नहीं डला है, आप यहाँ से इसका स्टेटस देख सकते हैं। कंपोनेंट में आप देख सकते हैं क्या क्या हार्डवेयर वगैरह लगे हैं, ये सब देख सकते हैं, मॉडम है, नेटवर्क पोर्ट, ये सब स्टोरेज वगैरह क्या लगा हुआ है, तो आपको ये देख सकते हैं, ड्राइवर डिस्क वगैरह क्या लगी है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं सिर्फ एक कमांड से। तो आप कभी नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं या किसी खरीदने ले जा रहे हैं या नया ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिए, जिससे आपका कोई लॉस ना हो और आपको सारी चीज़ें मिल सके, सारी जानकारी क्लियर हो सके। अब चलते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। आपको क्या करना है कि आपको आ जाना है यहाँ पे स्टार्ट में और आपको टाइप करना है CMD टाइप करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और अभी क्या करना है आपको, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है आपका, जैसे मान लो आपको किसी की IP पता करना है कि क्या IP यूज हो रही है, IPv4 एड्रेस क्या है, IPv6 एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें आपको अगर चेक करनी है तो आपको टाइप करना है IPconfig, लिख के इंटर कर देंगे तो आपको डिटेल आ जाएगी क्या मीडिया कनेक्टेड है, क्या ईथरनेट यूज़ हो रहा है, वायरलेस पे क्या कनेक्टेड है, जो भी वाईफाई ईथरनेट जो भी नेट कनेक्टेड होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे अभी मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में नेट कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे IP सारी आ जाएंगी, आप IP से चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आ रही, अगर आपको और सारी डिटेल देखना है, जितना पूरा डिटेल चेक करना है, तो IPconfig/all कर देंगे तो आपको जो है सारी डिटेल आ जाएगी एक बार में। इस प्रकार से आपको अलग अलग डिटेल आ जाएगी, इथरनेट का अलग आएगा, वायरलेस लैन का अलग आएगा, इसका अलग आएगा। अब चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ। दोस्तों क्या होता है कि आप जो है हमेशा जो एडमिन पैनल राउटर का एडमिन पैनल ओपन करते हैं वो IP एड्रेस से ओपन करते हैं, 192.168.0.1 इसे आप ओपन करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपके IP कॉन्फिग करने पे आपको ये IPv4 वाला गेटवे नहीं मिल रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी तरीका है दोस्तों। IPv4 का आपको अगर नहीं दिख रहा है तो IPv6 का जो गेटवे है उसको आप कॉपी कर लीजिए, आप अपने URL में पहले ये वाला कोष्ठक लगाइए, उसके बाद उसको पेस्ट कीजिए इस प्रकार से जो भी आपने कॉपी किया है, उसके बाद कोष्ठक बंद करके इंटर कर दीजिए, तो क्या होगा कि आपका जो है गेटवे ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जानकारी यूजफुल लगी हो या आप करके देखिए, अगर आप करते हैं आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।